পাপড় কিনেছো না? আমি বলছি না তুমি একটা পাপড় কিনো। গাইস দেখিন লাস্ট টাইম আপকো দিখায়া থা না কি ইয়াহ পে বেঙ্গলি সুইট শপ হ্যায়। মানো পানি ফির গয়া ইসলিয়ে কিউকি উনহোনে সোচা থা ইয়াহ সে পকোড়ে বগেরা খরিদেঙ্গে খরিদ কে খায়েঙ্গে তো ভো ক্লোজ হো গয়া। সারে সামান মেনে কল খরিদা হ্যায় সব গ্লাসেস কে হ্যায়। আসো না, কি পাপড় কিনেছো তুমি? এদিকে আসো, কি পাপড় কিনেছো? আরেকবার বলো। আলু পাপড়। আর কি? আর কি? আর কি? একটাই পাপড় কিনেছো? কাঁঠালের পাপড় কিনেছো না? না, কাঁঠালের পাপড় আমার দেখি নেই। পাপড় কেন বলছো তুমি? তো পাপড় বলো। ইচ্ছা করে বলছো, ভিডিও করতে বলে। পাপড় বলো, পাপড়। তোমার ডিকশনারিতে র বলে কোনো জিনিস নেই। পাপড় বলো, পাপড়। বলো পাপড়। ওই ডিকশনারিটা আমি আরে তুমি বলো না, পাপার বলো, পাপার। কেন বলবো? বলো না পাপার। পাহাড়। তুমি তো রাও বলো না, পাহাড়ে যাব না। মুমে সুপারি হে। তুই আমার পাপড় কিনেছিস? আমি বলছি না তুমি একটা পাপড় কেনো নি, তুমি দুটো পাপড় কিনেছো। কাঁঠালের পাপড় কেনো নি পাক্কা? না, কাঁঠালের পাপড় আমার কেনার সাহস হয় না। কেন না? জ্যাকফ্রুট পিকল খুব ভালো হয়, জ্যাকফ্রুট আচার খুব ভালো, এই আচারই তো বলছি, পাপড় খুব নিশ্চয়ই ভালো হবে। হ্যাঁ হয়, এখানে সব হয়। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले हैप्पी वीकेंड सभी को, बहुत अच्छे से गुजरे आपका सैटरडे एंड संडे। मैं हमेशा विश करती हूँ कि सैटरडे एंड संडे बहुत अच्छे से गुजरना चाहिए। पूरे हफ्ते भर का लोगों का टेंशंस, हेक्टिक स्केड्यूल, ये सब मिला जुला के ना, बच्चे बूढ़े सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो सैटरडे एंड संडे इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव टाइम विद फैमिली, किड्स, हस्बैंड, सभी के साथ। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो आज का है सैटरडे। हम रेडी नहा धो के निकलेंगे अभी। जो कहा था आपको कल की एक श्राद्ध अनुष्ठान है, तो यहाँ पे तो बुकिंग सिस्टम है, 9 से 11 बजे तक का बुकिंग है। सो आई हैव टू रश, मुझे जल्दी जल्दी जाना है, और जल्दी जल्दी आना है बिकॉज 10:30 बजे मेड आ जाती है एंड 11 बजे तक मेरी बेटी आ जाएगी। तो एनीवेज 9 से 11 तक ही प्रोग्राम है। हम लोग तो जस्ट ऐसे प्रेयर मीट में जाएंगे मैक्सिमम 15 to 20। चलिए जल्दी जल्दी जाती हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, बाल बाल सुखा के। चलिए अपने अपार्टमेंट से निकल गए हैं और जल्दी जल्दी जा रहे हैं बिकॉज हम लोग को विद इन 40 मिनट्स घर में आना है। अभी 9:15 के 9:30 बज रहे थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी घर आ पाए। तो गए हैं गाइज, लेकिन लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना कि यहाँ पे एक बंगाली स्वीट शॉप है जो सब बंगाली चीज़ें मिलते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने माला तो खरीद लिया था बट स्वीट नहीं खरीदा था कि यहीं पे बंगाली स्वीट शॉप है तो ले लेंगे, बट वो क्लोज हो चुका है। सोचिए, मेरे हवि के अरमानों में पानी फिर गया इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा था यहाँ से पकौड़े वगैरह खरीदेंगे, खरीद के खाएंगे, तो वो क्लोज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे सामने से कोई मिठाई का शॉप है तो वहाँ से खरीद लेते हैं। व्हाट वाज द स्वीट शॉप? कृष्ण सागर इज देयर, तो वहाँ पे चलते हैं जाके खरीदते हैं। ये शॉप ही बंद हो गया, आपका पकोड़े का और तेले भाजा का शॉप बंद हो गया है अरमान। तो चलिए स्वीट लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाते हैं सेवाश्रम। यहाँ पे 9 से 11 बजे तक इनका बुकिंग है, तो काम स्टार्ट है। मुझे नहीं पता अंदर मैं कितना वीडियो कर पाऊँगी, बाहर से ही थोड़ा सा कर देती हूँ। यहाँ पे दुर्गा पूजा में मैं आई थी, आपको दिखाया था, यहाँ पे पूजा हुआ था, यहाँ पे काम हो रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं।
तो यहाँ पे 9 से 11 बजे तक पूजा होगा, मतलब पूजा पाठ जो होता है, मेन रिचुअल जो होता है वो सुबह होगा। मैं बड़ी मुश्किल से ही मैंने यहाँ पे वीडियो किया है, डर डर के कि करना ठीक भी नहीं लगता ना आप कहीं भी जाके वीडियो करें तो। बट यूट्यूबर होने से क्या हो रहता है ना कि आपको ये रहता है कि हर जगह जाके थोड़ा सा वीडियो करना, थोड़ा सा मतलब क्लिक्स लेना। तो एनीवेज वहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग तो आए नहीं थे, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना ही वीडियो वहाँ पे लिया। अभी मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो हम लोग को 11 बजे तक घर पहुँचना ही है। अभी चलिए घर चलते हैं, उसके बाद फिर सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ है, लाइक ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऐसे फ्रूट्स खा के आ गए हैं। अभी जाके ब्रेकफास्ट खाना वाना, वीकेंड्स का बहुत ज़्यादा तामझाम रहता है, बेटी आके खाएगी। सो चलिए, सो बेटी आने वाली है, अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। अभी चलिए दोपहर का खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ेगा। एंड कितना बज गया है, 11 बज चुके हैं, अभी पता नहीं बहुत लेट हो जाएगा, आज लंच वगैरह सब कुछ करते करते बहुत ज़्यादा लेट होगा। एनीवेज चलिए चलते हैं किचन। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि घर में अभी तक बहुत सारा काम बाकी है, जैसे कर्टन रॉड्स वगैरह लगाना, तो उसके हेल्प मतलब आए हैं, मेरी मेड्स काम कर रही हैं, वहाँ एक पोछा लगा रही हैं, यहाँ पे देखिए बात मतलब बर्तन मांजते मांजते फ़ोन पे बात कर रही है ये, तो जो भी है मेरे मेड्स काम कर रहे हैं, और ये कर्टन रॉड्स वगैरह कर्टन्स वगैरह ये सब करते हैं, तो वो यही सब काम चल रहा है। और यहाँ पे देखिए गब्बर मेरे पास आके थोड़ा बैठा, वहाँ पे काम चल रहा था तो मैं थोड़ा साइड में आके बैठ गई थी कि लेट द वर्क कम्प्लीट देन आई विल गो टू किचन। तो इसको देखिए, ये आवाज़ सुन लिया है ना कि कोई बाहर से आया है, ये तो बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसलिए मेरे गोदी में आके घुस घुस के बैठ रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे पास आके उसको बैठना है इसीलिए। अल्फोंसा की माने आमिर हाउस, तो ये की रेड ग्रीन की येलो येलो हाउस है, येलो, हाँ येलो येलो एवरीवेयर, येलो येलो डर्टी फेलो पूजो ये कौन भय पे आमार पाए पाए जड़िए धरे शुए छिलो पूजो। अरे बाप रे, है दल बदलू नेता, इसने बदल लिया अपना दल, पॉलिटिशियन गब्बर पूजो आए। ए सुबह से वो मेरे पास ही था, घर में थोड़ा सा काम वाम चल रहा है, कर्टन्स वगैरह ये लगा रहे हैं। एंड इन द मीनवाइल हम लोग का, जैसे कि मैंने कहा कि हो गया है लेट, सो अभी मैंने खाना चढ़ाया है बेटी के लिए, मैं भिंडी बना रही हूँ सब्जी, दाल ही सब्जी बना लिया है, यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया है, और हमारे लिए बना रहे हैं हम किनोआ सोया, किनोआ और सोया पुलाव, तो उसके लिए मैंने सब्जी वगैरह काट के रखी है, और ये मेरी मेड काट के गई है। जैसे कि मैंने कहा ना, मेरी मेड ऐसे आलू और प्याज ऐसे छील के रख के चली जाती है, ऐसे ये आलू प्याज ऐसे छील के रख के चली जाती है मेरी मेड, और ये टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी ना मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं कब क्या बनाऊँगी। सो चलिए बनाते हैं, पहले अदरक लहसुन हल्दी पाउडर बस डाला है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसके ऊपर डालूंगी मैं पाव भाजी मसाला, जो कि टेस्ट आता है। देखिए जैसे कि खाना थोड़ा सा तो टेस्टी होना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रेगुलर बेसिस पे आप किनोआ वगैरह ये सब खा नहीं पाएंगे, टेस्ट बेकार लगेगा, तो थोड़ा सा तो टेस्टी बनाना पड़ेगा। सो इसीलिए थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे हम ढाक के।
तो मसाला अच्छी तरीके से कुक हो गया है, तो मैं अभी ना सोया चंक्स को कर्ड के साथ, चाट मसाला, उसके बाद फिर काला नमक और मिर्ची, मतलब कश्मीरी लाल मिर्ची, ये सब डाल के ना मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। अब मैंने सोया चंक्स को यहाँ पे डाल दिया है। ये सारे सामान मैंने कल खरीदा है, सब ग्लासेस के हैं, कुछ बास्केट टाइप के हैं, सब ग्लासेस के वो है। इसके बाद फिर बेको का मेरे पास टिशू है, बेको के हैंड मतलब ऐसे टॉल्स हैं। फिर ये जो है ना, ये सारे सामान मैंने कल खरीदा है। इतना सारा सामान हो गया है किचन का, और भी है, और भी आएगा। आज अगर कर्टन का काम हो जाता है तो फिर कर्टन्स भी आ जाएंगे। तो यही है और बाकी है अभी तो। ये किनवा डाल दिया है मैंने, फ्लेम को कर लेंगे थोड़ा सा हाई, एंड हो गया है। तो किनवा डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं लगता है, जस्ट लेट द मसाला गेट मिक्स्ड। ये इसको यहाँ पे कहा जाता है कोथिमीरी, मतलब धनिया पत्ती। धीरे धीरे मैं भी कन्नड़ा सीख रही हूँ, अब तो सीखना ही पड़ेगा। सो कोथिमीरी डाला है मैंने, कवर कर लेते हैं। कौनटा बोल छो, कौन साइड है? ए साइड टा ना, तो एखाने की एखाने चाटे लागबे ना, है ना? না তিনটেতে হবে, তিনটেতে তোমার পুরো টানা থাকবে, কুচকানো থাকবে না। দেখতে হবে লাগে যদি। হ্যাঁ, সোয়া পোলাও, মতলব সোয়া পোলা কিনুয়া পোলাও, তো ঢাকে রাখ দেতে হ্যাঁ। ठीक है, अभी रखिए नीचे चारों को एक साथ में। अभी चारों को लाइन में रखता हूँ मैं। हाँ, इसका प्राइस कितना बोल रहे हैं? एक साथ रखिए, साइड बाय साइड चारों को। हाँ, ये तो भला अच्छा ना। हाँ, एकदम राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पे ना हम पसंद कर रहे हैं कर्टन रॉड्स, फिर उसके बाद फिर नॉब्स वगैरह जो भी है, टाई बैग्स, ये सब हम चॉइस कर रहे हैं। अभी हो रहे हैं शाम के 7, एंड बाहर देखिए अभी तक उजाला है। थोड़ा सा सामने देख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं ना नीचे, तो वो देखता है, वो पार्क में बच्चे खेलते हैं तो वो देखता है। सो बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अभी शाम को यहाँ पे बैठ जाइए बालकनी में, और कुछ नहीं चाहिए। अभी छुट्टी का दिन पूरा दिन भर, मतलब पहले तो वहाँ गए थे, उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर वही कर्टन्स वगैरह के लिए लोग आए थे, वो वाला हो गया। एंड अभी मैं थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहन के बना रही हूँ रील्स, तो थोड़ा रील्स बना लेती हूँ। मेरा रील बनाना हो गया है, शाम का वक्त है अभी, तो एकदम अंधेरा हो गया, 7:30 बज गए हैं, बेटी भी पढ़ने बैठ गई है। सो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी गाइस। बसंती भी यहाँ बैठी है। सो आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा खाना वाना बनाना पड़ेगा रात के लिए, डिनर का देखेंगे कि क्या क्या बनाऊँगी, बेटी क्या खाएगी। मतलब लड़कियों का ना हमेशा यही होता है कि सुबह सोचिए कि दोपहर को क्या होगा, दोपहर को सोचिए कि शाम को क्या होगा, शाम को सोचिए रात को क्या होगा। एनीवेज दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अभी मेरे को डिनर वगैरह का देखना पड़ेगा कि डिनर में क्या है, नहीं है, क्या बनाऊँ। सो यही है, और आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, वीडियोस व्यू अच्छे आते हैं, लाइक नहीं होते हैं, तो लाइक कीजिए। एंड हैप्पी वीकेंड, बहुत मस्ती कीजिए वीकेंड में, एंड सी यू टिल माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।